भाई यूट्यूबर वालों ने भाई ज्यादा करा। अच्छा। हाँ, गोदी मीडिया तो है ही गोदी मीडिया, उसके बारे में क्या कहा जा सके, लेकिन जो अपने सोशल नेटवर्किंग वाले बहुत सही योग रहा उनका। लेकिन टिकिया साहब ने कई चैनल वालों को नाम भी दे दिया, प्रिंसिपल, हेड मास्टर वगैरह दे देख रहे हैं नाम तो सर। जब स्कूल चल रहा तो कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई क्या नाम मॉनिटर बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो स्कूल में आरएसएस वालों के स्कूल में है ये सिस्टम, प्रधानमंत्री बनावे हुए, राष्ट्रपति भी बनावे अपने स्कूलों में। पता करियो, जानकारी करियो, कैसा काम किया राष्ट्रीय मीडिया ने जो किसानों के लिए काम करना चाहिए था। अजी चलो, कुछ ने ठीक करा, कुछ ने गलत करा। यहाँ से तो 4-5 दिन बाद उखड़ेंगे। 4-5 दिन? हाँ, 4-5। लेकिन अभी खबरें आ रही है सिंगू बॉर्डर से तो टेंट वगैरह उखड़ने लगे। ऐसा क्या, एकदम उठा लगेंगे भाई, जुकर गढ़ने में टाइम लगा था, 2-4-5 दिन बाद जो सामान है उसे इकट्ठा करेंगे, जो वहाँ पे ट्रोलिया वगैरह है उनके ट्रैक्टर मंगवाओगे, जो खेत में चल रहे हैं। नहीं, हमारा किसी पार्टी किसी विशेष आदमी से वो थोड़ी है। मिशन यूपी चलेगा? हम क्या वोट लड़ रहेगा, हम क्या चुनाव लड़ रहे, जिसे मिशन यूपी करना करो जो भाई। लेकिन टिकै साहब ने बंगाल में तो कहा था कि इनको वोट मत देना, तो नहीं दी होगी उन्होंने वहाँ से। यूपी में सर क्या लग रहा है? फिर क्या पता क्या लग रहा भाई, चुनाव आ जाएंगे सबको पता चल जाएगा, देखेंगे दवा का भी क्या रहेगा। अच्छा। हाँ सर, एमएसपी की गारंटी मांगते थे आप तो, कानून उस पर कमेटी तय होगी। अच्छा। लिखित में आश्वासन मिल गया, मार्च में शायद करा देंगे। अच्छा। हाँ तो किसान संतुष्ट है आज की डेट में? हाँ संतुष्ट है। जश्न वगैरह मनेगा क्या? नहीं, जश्न का क्या मनना, तो भाई इतने किसान शहीद हो गए, कल की घटना देख लो आप कितने अप्रिय घटना है, तो जश्न तो नहीं, पर हाँ भाई लोग अपने घर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, जो आंदोलन में आए थे कुछ लोग वे घर नहीं पहुंच पाए। टिकैत साहब भी घर नहीं गए एक साल से, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, एक साल कुछ दिन हो लिए वे घर नहीं गए, जिले में तो आए 2 बार पर घर नहीं आए। तो कितनी समस्या झेली वो घर नहीं गए थे परिवार वालों ने, क्या क्या? नहीं, मार तो संगठन था, जब भी कुछ समस्या आवे थी संगठन वालों को कहते, पारिवारिक समस्या तो रहती है। पारिवारिक क्या समस्या रहती है, खेती कर रहे थे हम, सब बस सुखी सुख रहा, दुख तो कुछ हुआ नहीं भगवान की दुआ से। कमेटी करी गठित, और जैसे पंजाब और हरियाणा के किसानों को मुआवजा मिला ऐसे ही यहाँ। अजय कुमार टेनी के लिए कहते थे कि वो जो उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको उनका जागा जेल तो जागा सर, आंदोलन केंद्र सरकार से तो खत्म हो गया, प्रदेश सरकार तो है भी। सर ये पूरा आंदोलन जो है किसान आंदोलन के दबाव में कामयाबी मिली है, इसको सरकार पीछे हटी है या फिर चुनाव के डर से हटी सरकार पीछे? वो तो सरकार बताओगी कहीं से हटी उसका हमें नहीं पता। अच्छा। हाँ सरकार बताओगी कहीं से पीछे हटी, चुनाव से हटी या 2024 तक के किसान यहाँ बैठे रहेंगे उससे हटी, या आसपास के जो फ्लैटों में लोग रहे उनके दबाव पर हटी हुए मिले हों जागे, कि हमें एक साल से रास्ता नहीं मिल रहा जाने का, और जाम सम हो गए जाते हैं, जो 20 मिनट का रास्ता है वो 1-1.5 घंटे में होता है पूरा, तो क्या पता किन कारणों से हुई, वो तो भाई सरकार को पता। इसमें तो भाई भाषा का, बोलचाल का, जो आदान प्रदान, लोगों से मिलना, संबंध बनाने, अभी एक घटना हो गई थी, हमारे एक मित्र का ट्रैक्टर चोरी हो गया था मोहन नगर से, वो 3.5 घंटे में पकड़ दिया था गौतम बुद्ध नगर की टीम ने, संपर्क बहुत बढ़े इस बार आप। अच्छा। कन्याकुमारी से ले के और कश्मीर तक चले जाइयो, अगर किसान रह के नाम लेके कहोगे तो कहीं होटल में रुकने की जरूरत नहीं है, सब के ठीक हैं, सब आंदोलन से इतने उससे जुड़ गए, पूरा 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 भारत का ताकत बड़ी है बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी चले जाओ संगठन का नाम लेकर, आप हैं बहुत से मित्र हैं, आपके संबंध भी बने, हमारे भी बने। सर किसान कहते थे कि हमारे ट्रैक्टर में बैक गियर नहीं है, ब्रेक नहीं है, ये सच्ची बात है क्या? हाँ है ही नहीं भाई, ये तो गांव में जाएंगे और फिर कुछ होगा फिर आ लेंगे। सर क्या लग रहा है, दिल्ली 1 घंटे की दूरी पे ही तो, 2 घंटे की दूरी पे। 2022 में किसानों की आय दुगना करने जा रही है सरकार, कर दो बढ़िया बात है, लगता है हो जाएगी। देखो क्या रहे आम तो 2022। अच्छा। हाँ आके तो पता चले, बिना क्या भविष्यवाणी करते हम। सर चुनाव भी आ रहे हैं 4-5 राज्यों में, कुछ किसान चुनाव भी लड़ेंगे क्या? नहीं, चुनाव एसकेएम का कोई भी जो एसकेएम में है
40 जत्ते बंदे में कोई चुनाव नहीं लड़ना। आपके पिताजी को एक आइकॉन अवार्ड मिलने वाला है इंटरनेशनली, उसको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो कल है शायद उसका फाइनल, क्या रहता है नाम आएगा या क्या रहेगा, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो उनका धन्यवाद कि शामिल तो करने की कोशिश करी। सर जो किसान शहीद हुए हैं पूरे आंदोलन में, उनके परिजन आज भी कुछ इंतजार कर रहे हैं कुछ मिले उनको, क्या देखा? नहीं हुआ, वो मुआवजे की बातचीत हुई है हरियाणा पंजाब की तरह, और उसमें काम भी करेंगे। कुछ किसानों को नाम दे दिए गए नक्सली, माओवादी, आंदोलनजीवी। अच्छा, अब जब किसान तो कह दिया इन्होंने, कह दिया शुरुआत में, जब नहीं पता रहता, जो बुद्धिजीवी लोग रहे उन्हें नहीं पता रहता क्या कहना, उनके आईपीएस पीसीएस क्या सलाह देते होंगे, चार आदमी नु कहते होंगे भाई ये चले जाएंगे, ये तो सिर्फ जाटों का आंदोलन है, ये तो सरदारों का आंदोलन है, पर आखिर में सरकार ने किसान को किसान मानना और उनका हक दिया। बड़े किसान नेता हैं, वो आंदोलन जैसे जैसे थोड़ा सा खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो उनकी लाइफ कैसे कटेगी, क्या करेंगे अगले साल? बस देख के क्या करेंगे, अभी तो तू बता रही एक हफ्ते की छुट्टी पे रहेंगे सारे पहाड़ों में और बाकी इसका तो एक रखा करेंगे एक साल में 8 दिन का। अच्छा, हाँ मतलब कभी हरियाणा पंजाब में उत्तराखंड में यूपी में मध्य प्रदेश राजस्थान जहाँ जिसकी ताल पट्टी लगेगी 8 दिन का कोर्स था, जैसे नान का रहे ना 3 दिन का एक हफ्ते का, ऐसे इसका रहेगा नहीं, इनका जी नहीं लगा करूँ जाके। सर चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ नरम हुए हैं किसान सरकार को लेकर बीजेपी को वोट देंगे? गांव के लोग बताओगे नरम हुए नहीं हुए, हमें इस बारे में जानकारी नहीं।